तो फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई अक्षय कुमार मिशन रानीगंज के डे नंबर वन आज चल रहा है भाई फाइनल एडवांस हो कि एंड आज कितने नंबर से गाइस वो आ सकती है। पहले दिन कितना ओपनिंग गाइस वो हमें लेती हुई नजर है गाइस वो आ सकती है। देखो भाई सबसे पहले शोज इसको भाई भर भर के मिले हैं नो प्रॉब्लम 2500 से ग्रीन 7500 से लेके 8000 के आसपास शो, जो कि मैंने जब इसका एडवांस ओपन हुआ था मैंने तब भी बोला था कि भाई इतने तो मिलने चाहिए। हाँ ये मूवी चले ना चले नंबर्स कितने आए ये बात की बात है, लेकिन भाई अक्की ये है सुपरस्टार है भाई इतने साल 30-35 साल से भाई इंडस्ट्री में हैं टिके हुए हैं तो इतने शो से भाई बनते हैं बंदे के चाहे भी जितना मर्जी मतलब जैसा भी कंटेंट हो मतलब जिस तरह भी क्रेज क्रिएट क्यों ना हो लेकिन शो से भाई बंदे को मिलने ही चाहिए। चलो वो तो भाई मिले हैं एंड फाइनल एडवांस पर नजर डालते हैं भाई कितना हुआ है और आज हमें भाई कितना नंबर से गाइज यानी ओपनिंग गाइज बोले थी वो नजर है वो आ सकती है। एनसीआर में भाई लगभग 650 शोज है लेकिन एनसीआर यार मैक्सिमम ग्रीन ही है, लगभग 2-3 शोज है गाइज मुझे फिल्म फास्ट दिख रहे हैं और एक दो फुल भी है। और मुंबई में भी लगभग 650 शोज है काफी बढ़िया, एनसीआर और मुंबई में ठीक ठाक शोज है गाइज ठीक ठाक नहीं यार ज्यादा मिले यार जिसमें से 12 शो फुल है 19 शो फिल्म फास्ट चल रहे हैं मुंबई के अंदर भाई। हाँ मुंबई में जरूर गाइस यहाँ पे ब्लैक भी छाया है और ऑरेंज भी छाया है। और पुणे में लगभग 240 शोज हैं बढ़िया, बेंगलोर में लगभग 182 शोज हैं, कोलकाता में 200 शोज हैं और इलाहाबाद में लगभग 370 शोज है। देखो ऑक्युपेंसी देखोगे इन प्लेसेस की एडवांस की तो गाइस एक एक दो दो तीन तीन ही है, यानी कि भाई मैक्सिमम आपको ग्रीन ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इलाहाबाद हो गया है ना और सूरत में 185 शोज हैं एंड जयपुर में लगभग 104 शोज हैं, लखनऊ में 120 शोज हैं और ऑक्युपेंसी गाइस एक एक दो दो ही है। और टोटल भाई आज एडवांस हुआ है 1.05 करोड़ की पहले दिन की, ये तो भाई मैंने आप सभी को पहले दिन ही बता दिया था कि भाई 1 करोड़ के आसपास रहने वाली है जो कि गाइस बिल्कुल ऐसा हुआ भी है। और शोज लगभग 7500 के आसपास हैं आज, तो नंबर्स कितना आ सकता है भाई देखो जिस तरह एडवांस हुआ है तो भाई ये मैं जो आप सभी को अभी अपनी भाई एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ भाई ये थोड़ा दूर है काफ़ी आगे है, बट फिर भी गाइस अक्षय कुमार की है तो मुझे उम्मीद है कि भाई इतना ये निकाल लेगी। तो भाई 5 करोड़ के आसपास भाई देखते हैं इतना ये निकाल पाती है या फिर नहीं, बट गाइस मुझे उम्मीद है कि भाई इसको इतना तो निकालना ही चाहिए। शोज भी अच्छे खासे मिले हैं, हाँ अब रिव्यूज़ इसको अच्छे मिले हैं, भाई रिव्यूज़ डज नॉट मैटर यार, हमने बड़े बड़े मूवीज देखी हैं उनको रिव्यूज़ बेकार भी मिलते हैं वो फिर भी क्वेश्चन है गाइस वो अच्छा खासा निकाल लेती हैं। और बड़े बड़े मूवीज़ ऐसे भी देखी हैं उनको रिव्यूज़ अच्छे भी मिलते हैं तब भी वो गाइस पिट जाती हैं, इसलिए रिव्यूज़ यार ज़्यादा मैटर है गाइस वो नहीं करेंगे, वो पब्लिक जो डिसाइड करेगी भाई वो तब भी जाएगी, ऐसा आपके बोलने से कोई नहीं जाने वाला है। उनको पता है कि किस तरह कंटेंट है उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना चाहिए, ये कोई 19-18 का टाइम नहीं है कि हाँ भाई अब रिव्यूज़ देखो तो फिर डिसाइड करोगे जाओगे या फिर नहीं जाओगे। और अब भी भाई ऐसा नहीं होता है, अभी ट्रेलर टीजर देखने के बाद ही भाई पब्लिक डिसाइड कर लेती है उनको भाई क्या करना चाहिए। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही, एंड भाई आपको क्या लगता है कि कितना ओपनिंग गाइस वो आज ले सकती है और कितना भाई इसको लेना चाहिए? हाँ भाई हाइप ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ ये हम सभी को पता है, हाँ एक दो दिन में क्या पता मामला थोड़ा ठंडा भी रह सकता है, आगे स्पीड है गाइस वो पकड़ सकती है। हम तो भाई उम्मीद करते हैं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन निकाले ये एंड एक और सुपर हिट दे भाई अक्षय कुमार, OMG 2 से थोड़ी सी इन्होंने फॉर्म पकड़ी है और ये फॉर्म अपनी कंटिन्यू रखे आने वाले फ्यू डेज नहीं बोलूंगा यार एक दो ईयर में तो रखे, जो आगे मूवीज आ रही है गाइस बहुत तो चले। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही एंड आई होप कि सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, बाकी देखते हैं गाइस किस तरह आज की ऑक्युपेंसी गाइस वो निकल के सामने आती है। बाकी गाइस हम शाम को मिलेंगे एंड साथ में दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग के साथ और साथ में डे नंबर वन कितना नंबर से गाइस वो आता है वो नजर है वो आ रहा है। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं क्या कर रहे हो यार जल्दी करो सब्सक्राइब, गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।